जय हिंद मित्रों, मैं डॉक्टर सच्चिदानंद श्रीवास्तव फ्रॉम क्लासिकल होम्योपैथी। ये आपका अपना क्लासिकल होम्योपैथिक चैनल है, जहां आपकी पुराने से पुरानी बीमारियों और उनसे संबंधित समस्याओं पर चर्चा होगी, साथ ही उनके निदान के लिए विशुद्धतम होम्योपैथी के उच्चतम मानदंडों को स्थापित करने का प्रयास भी होगा। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन नामक पुस्तक, जो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनिमन के द्वारा लिखा गया चिकित्सा विज्ञान का एक बेजोड़ और महानतम ग्रंथ है, उसमें उन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान के बहुत सारे सूत्र लिखे हुए हैं। उसी में एक जगह उन्होंने रैपिड जेंटिल एंड परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ नाम का सूत्र भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि होम्योपैथिक चिकित्सा से किसी भी रोगी को यथासंभव कम से कम समय में बिना कष्ट देते हुए रोगी का अस्थाई उपचार करना। पुनः इसके बाद एक ऐसा सूत्र जो मानवीय चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में केवल होम्योपैथी ने ही दिया है और जो पूरे चिकित्सा विज्ञान को आज तक झनकृत कर रहा है, ये सूत्र होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान के मुकुट का अनमोल नगीना है, मोनोमेनी सीमी। और इसी एक सूत्र पर पूरी क्लासिकल होम्योपैथी की नींव खड़ी है। आइए इसे थोड़ा ठीक से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह आपके लिए, आपके परिजनों और इष्ट मित्रों के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक जानकारी है। मोनो यानी रोगी व्यक्ति को एक बार में केवल एक ही औषधि देना, मिनी यानी मिनिमम डोज या उसकी अति सूक्ष्म मात्रा जो रोगी व्यक्ति को देना है, सीमी यानी अच्छी प्रकार से पूर्ण विश्लेषित साम्य होम्योपैथिक औषधि, अर्थात किसी भी रोगी के लिए अच्छी प्रकार से पूर्ण विश्लेषित एक बार में सिर्फ एक ही औषधि का चयन करना। अपने 20 वर्षों के क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने इन्हीं सारे सूत्रों को आत्मसात करते हुए आपके स्वास्थ्य के साथ भरपूर चिकित्सकीय न्याय करने का प्रयास किया है। एक बार पुनः आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी उसी प्रकार से और उन्हीं मानदंडों पर खरा उतरते हुए आपकी अनवरत सेवा करते रहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी कठोर परिश्रम क्यों न करना पड़े। मेरा दावा है कि क्लासिकल होम्योपैथी के पास आपके स्वास्थ्य से जुड़े सारे यक्ष प्रश्नों का उत्तर है। कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों न हो और जिसके लिए सारे डॉक्टर्स हाथ खड़े कर चुके हों, वहाँ क्लासिकल होम्योपैथी आशा की एक किरण है। आप विस्मित हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे और सरप्राइज भी हो जाएंगे इससे ठीक हुए रोगियों को देखकर और उनकी कहानियाँ सुनकर।